देश भर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। इस बारे में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था, जिसमें राज्य की दुकानें और बाजार शाम 5 बजे तक बंद होने के आदेश शामिल थे। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहने के भी निर्देश थे। ये कर्फ्यू 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगाए जाने की बात थी, लेकिन अब राजस्थान में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब राजस्थान में 3 मई तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। वही 19 अप्रैल को सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा के रूप में मनाने के साथ साथ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। 19 अप्रैल सुबह 5 से 3 मई की सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाए। 19 अप्रैल तक सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। पखवाड़े के दौरान सभी कार्यस्थल, बाजार और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यात्रा टिकट दिखाने पर रेल, बस, मेट्रो, हवाई जहाज आदि में यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। यात्रा से पूर्व 72 घंटे में करवाया जाएगा RT-PCR नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा। सब्जी, फल, दूध, किराना सामान शाम 5 बजे तक दुकानों के जरिए थोक में बेचा जा सकेगा। ठेले रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा आदि के जरिए शाम 7 बजे तक खुदरा बिक्री हो सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट रहेगी। एलपीजी गैस पेट्रोल पंप सेवा रात 8 बजे तक चालू रहेंगे। मिठाई दुकान, प्रोसेस्ड फूड, टेक अवे रात 8 बजे तक जारी रहेंगे। अनिवार्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट की दुकान, उद्योग निर्माण इकाइयां चालू रहेंगी ताकि श्रमिकों का पलायन रोका जा सके। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।